अध्यक्ष महोदय, इस सदन के कई सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उन सारे सदस्यों का, मैं यहाँ के नाम का भी उल्लेख करना चाहूंगा। श्री दीपेंद्र हुड्डा, श्री किरीट चौबैया, श्री वेणुगोपाल, श्री सौगत राय, यम राजेश, मिस्टर भर्तृहरि महताब, श्री अरविंद सावंत, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री मुरली मोहन जी, श्री यम राज मोहन रेड्डी, श्री अरुण कुमार, जनाब तारिक अनवर, श्री भगवंत सिंह मान, श्री चंदू सिंह माजरा, श्री राजेश, श्री जयप्रकाश यादव, श्री हरिश्चंद्र मीना, श्री कौशलेंद्र, जनाब ई अहमद साहब, जैसे कई सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार यहाँ व्यक्त किए हैं और सबने कल की जो घटना हुई है उस पर दुख व्यक्त किया है और उस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बतलाया है। और जितने भी सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने गजेंद्र सिंह के परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी तरफ से भी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, पूरे भारत सरकार की तरफ से भी उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं उन सम्मानित सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि ऐसे मामलों को किसी भी सूरत में पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। अधिकांश सम्मानित सदस्यों ने यही कहा है। मैं भी इस मामले को पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो घटना घटित हुई है उस संबंध में जानकारी पहले एक बार सदन के समक्ष रख दूं और उसके बाद जिन सम्मानित सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है बहुत ही संक्षेप में उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, कल 22 अप्रैल 2015 को आम आदमी पार्टी द्वारा जंतर मंतर नई दिल्ली में आयोजित एक प्रदर्शन रैली के दौरान राजस्थान से आए एक व्यक्ति श्री गजेंद्र सिंह की मृत्यु हुई। निश्चित रूप से यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दौसा राजस्थान के निवासी श्री गजेंद्र सिंह रैली स्थल पर अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर पेड़ पर चढ़ गए तथा उन्होंने कपड़े का एक सिरा अपने गले में तथा दूसरा सिरा पेड़ की डाल से बांध लिया। पुलिस कर्मियों ने तत्काल इस घटना की जानकारी नियंत्रण कक्ष को दी तथा एक लंबी सीढ़ी युक्त फायर ब्रिगेड वाहन को बुलाया ताकि पेड़ की ऊंची डाली पर बैठे इस व्यक्ति को बचाया जा सके। पुलिस ने नीचे मौजूद लोगों से भी ताली बजाने और नारेबाजी रोकने का बार बार अनुरोध किया, जिससे उस व्यक्ति श्री गजेंद्र सिंह को उत्तेजित होने से रोका जा सके। ऐसे मामलों में वह व्यक्ति जो इस तरह की एक्सट्रीम एक्ट, अतिवादी क्रिया करने की कोशिश करता है, उसे बहुत ही चतुराई से बातचीत करके उसको इंगेज रखा जाता है, उसे व्यस्त किया जाता है। जबकि इसके विपरीत इस मामले में भीड़ ने ताली बजाना, शोर बजाना, यह सिलसिला जारी रखा। किन कारणों से यह मृत्यु की दुर्घटना घटी है इसकी जांच अध्यक्ष महोदय की जा रही है। उस दौरान रैली में शामिल हुए कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए तथा उसे खोल दिया, जो एक सिरा कपड़े का बंधा हुआ था उसे खोल दिया। इस प्रक्रिया में वह व्यक्ति नीचे गिर पड़ा। उसे एक पुलिस वाहन में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जैसा मैंने पहले कहा था अध्यक्ष महोदय, यह घटना बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 186, 34 के अंतर्गत संसद मार्ग पुलिस थाना में एक FIR संख्या 95/2015 दर्ज की गई है। इस मामले को अपराध शाखा क्राइम ब्रांच को अग्रिम जांच हेतु स्थानांतरित किया जा चुका है। मैंने पुलिस आयुक्त दिल्ली को इस मामले की पूरी
जांच करने का, समयबद्ध जांच करने का निर्देश दिया है। अंत में मैं पुनः श्री गजेंद्र सिंह जिनकी मृत्यु हुई है उसके परिवार के प्रति अपनी और अपने सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। मैं कुछ सम्मानित सदस्यों के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं उसकी यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। श्री दीपेंद्र जी हुड्डा, इन्होंने कहा कि जब इस समय सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसमें बहुत सारे कदम उठाए गए। मैं यह मानता हूं अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार हो, कोई सरकार यह दावा नहीं करेगी कि हमारी सरकार एंटी फार्मर है। सारी सरकारें यही दावा करती हैं कि हम प्रो फार्मर हैं। और मैं श्री मुलायम सिंह यादव ने भी जो यह बात कही है, यह केवल सरकारी पक्ष की ही यह जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि सरकार और विपक्ष दोनों को मिल बैठकर इस समस्या के समाधान के संबंध में विचार करना चाहिए, ताकि किसानों को इस बदहाली के हालात से कैसे उबारा जा सके। यह भी कहा उन्होंने कि जब तक इस हिंदुस्तान का किसान धनवान नहीं होगा, तब तक हमारा यह हिंदुस्तान भी किसी भी सूरत में धनवान नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, देखा जाए तो 1951 से लेकर आज तक, 50-51 में अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को इस बात की जानकारी है कि उस दौरान एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन पूरे जीडीपी में 55% हुआ करता था। आज जबकि 58% पॉपुलेशन पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, अब उसका कंट्रीब्यूशन केवल 14% रह गया है। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में भी हमको विचार करना चाहिए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 58% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, मात्र 14% क्यों रह गया है, अथवा वह क्यों घटता जा रहा है लगातार। और 58% पॉपुलेशन की टोटल नेशनल इनकम में अर्निंग कंट्रीब्यूशन वह केवल 14% रह गया है। और आज 50-51 से लेकर आज हालात अब भी आज भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि 60% पॉपुलेशन को आज फूड सिक्योरिटी के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। 50% तो क्या अध्यक्ष ने यह देखिए जानकारी तथ्यों की आप बोलना हो बोल लीजिएगा। देखिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप एंटी फार्मर हैं, हम प्रो फार्मर होने का दावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूं। जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि आपने भी किसानों की हालत को सुधारने के लिए, गांवों की हालात को सुधारने के लिए आपने प्रयत्न किया है। मुलायम सिंह जी ने भी कहा उत्तर प्रदेश में भी इस संकट की घड़ी में किसानों को क्या राहत दी गई है, उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई गई, इसकी भी चर्चा की। लेकिन इस हकीकत को उन्होंने स्वीकार किया कि सब कुछ किए जाने के बावजूद भी लगातार उत्तर प्रदेश में आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं, यह मुलायम सिंह जी ने स्वयं स्वीकार किया। यह सब सारे विषय सदन के सामने इसलिए मैं रख रहा हूं कि हम सबको इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि लगातार 65-66 वर्षों से हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि किसानों की हालत सुधरनी चाहिए, गांवों की हालत सुधरनी चाहिए, फिर भी आज भी इस देश की 60% से अधिक आबादी को खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। यहां तक फूड सिक्योरिटी का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और संभवतः सदन को इस बात की जानकारी भी होगी कि WTA में इस बार हमारी सरकार ने कितने प्रभावी तरीके से अपने पक्ष को प्रस्तुत करने किया था और दो टूक शब्दों में कह दिया था WTO में कि हम खाद्य सुरक्षा के सवाल पर किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। यह प्रयत्न जो हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, तो मैं अब हमारी बात यह समझ में नहीं आती अध्यक्ष महोदय कि हम किसको प्रो फार्मर कहें, किसको एंटी फार्मर कहें। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं सदन से कि अब यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कम से कम किसानों के संबंध में और गांवों के संबंध में जब भी चर्चा होती है यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए। पक्ष को और प्रतिपक्ष को बैठकर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, क्या फर्दर एक्शन प्लान सरकार का भी होना चाहिए, इस पर विपक्ष के द्वारा भी अथवा देश के अन्य भी वर्गों से, भागों से जो भी सुझाव प्राप्त होंगे हमारी सरकार उसका स्वागत करेगी।
अब यह भी एक विडंबना है अध्यक्ष महोदय कि हमारे देश की प्रोडक्टिविटी जो माने जाने देश हैं दुनिया के उनमें सबसे कम है आज भी भारत की, जबकि इतने वर्ष हो गए आजादी हासिल किए हुए, इतने वर्षों से हम पॉपुलर गवर्नमेंट, इस देश की जनता इस देश को दे रही है, फिर भी हम नहीं कर पाए। लेकिन हाल फिलहाल कुछ हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं, सॉयल हेल्थ कार्ड आ रहे हैं, मैं बोलूंगा उस पर भी बोलूंगा। सॉयल हेल्थ कार्ड हमारी सरकार ने जारी किए हैं और हम लोगों ने एक योजना बना रखी है कि प्रोडक्टिविटी कम हुई है, हम चाहते हैं कि किसान पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस सिस्टम को जो है अडॉप्ट करें। पर एक एक बूंद पानी का उपयोग होना चाहिए किसान की खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यह हमारी कोशिश है। सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया है, सदन को इस बात की भी जानकारी है कि 24/7 भाई अभी अभी 9-10 महीने हुए हैं। आप प्लीज आप ये तो ऐसा ही चलेगा। अध्यक्ष महोदय क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको एंटी फार्मर नहीं कहा। अब हमारी अप्रोच पूरी तरह से पॉजिटिव है, किसी का कुछ नहीं कहा है, किसी को नहीं कहा है कुछ। एक्शन की ही बात तो कर रहा हूँ। वो भी बेटर मैंने अपने स्टेटमेंट में स्पष्ट कर दिया है अध्यक्ष महोदय कि पुलिस का क्या रोल रहा है, और यदि कोई सदन का सम्मानित सदस्य कोई क्लैरिफिकेशन चाहेगा तो मैं क्लैरिफिकेशन भी देने को तैयार हूं। लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, जैसे धैर्य पूर्वक मैंने आप सबकी बात सुनी है वैसे आप भी तो मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद किसी क्लेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो मैं क्लेरिफिकेशन भी देने को मैं तैयार हूं। मैंने यह कहा कि अध्यक्ष महोदय हमारी गवर्नमेंट ने एक सॉयल हेल्थ कार्ड भी जारी किया है ताकि सभी किसान अपने जो सॉयल है उसके खेत की उसकी जांच करा सकें, और इसके अतिरिक्त हम अपनी उस योजना को भी क्रियान्वित करना चाहते हैं ताकि इस देश की गांवों को भी 24/7 बिजली की सुविधा जो है मुहैया हो सके। और फीडर को अलग करने के लिए हम लोगों ने ग्राम ज्योति योजना भी इधर प्रारंभ की है। हम लोगों ने कहा है गांवों के हालात को सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, रोड कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। यह सब सारे फैसले हमारी सरकार ने हाल फिलहाल 9-10 महीनों के अंदर ही हमने किए हैं। इतना ही नहीं, मैं जानता हूं केवल खेती की आमदनी के माध्यम से किसानों की माली ही सुधारी जा सकती है। यह आवश्यक है कि यदि हम किसानों की माली हालत को सुधारना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, तो यही एक रास्ता है कि उनके जो बेरोजगार बच्चे हैं उन बच्चों को भी कोई न कोई, उनके पास ऐसा स्किल होना चाहिए, उनके अंदर स्किल डेवलप किया जाना चाहिए ताकि उनके हाथों को रोजगार मिल सके।
इसलिए स्किल डेवलपमेंट का सिलसिला भी हमारी सरकार ने तेजी से प्रारंभ किया है। हॉस्पिटल स्कूल्स या लगभग सभी ग्राम पंचायतों में सभी गांवों तक यह सुविधा मिल सके, यह हमारी कोशिश है। दीपेंद्र जी ने यह जानना चाहा है कि कर्ज माफी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, और इन्होंने दावा किया है कि जब इनकी सरकार थी तो उस समय इन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था। लेकिन मेरे पास पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं, कब माफ हुआ था? चुनावी वर्ष में माफ हुआ था, प्राकृतिक आपदा के कारण माफ नहीं हुआ। क्षमा करिए, रुकिए, सीएजी की रिपोर्ट का भी हवाला देना चाहता हूं यहां पर। सीएजी कैरीड आउट परफॉर्मेंस ऑडिट टू असेस वेदर द डेट वेवर एंड रिलीफ स्कीम वाज इंप्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद रेलिवेंट गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। द ऑडिट कैरीड आउट फ्रॉम अप्रैल 2011 टू 2012 कवर्ड 25 स्टेट्स इन्वॉल्विंग फील्ड ऑडिट ऑफ द टोटल 90,576 फार्मर अकाउंट्स इन 715 ब्रांचेज ऑफ बैंक इन 92 डिस्ट्रिक्ट। अब पूरी चुनावी भाषण नहीं है, क्षमा कीजिएगा, यदि यह सुनना चाहते हैं क्या क्या किया। वैसे अध्यक्ष महोदय, यदि हमको पूरी सीएजी रिपोर्ट पढ़ने की इजाजत नहीं देना चाहता हूं, तो लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं कि सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है वह एक स्कैम किस प्रकार का इस मामले में हुआ है उसको भी पूरी तरह से उजागर किया है। यहां पर मात्र इतना ही उल्लेख करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय सदन को इस बात की भी जानकारी देना चाहता हूं कि पहले किसानों की फसल यदि 50% यदि उसका लॉस होता था तब कंपनसेशन किसानों को दिया जाता था, लेकिन पहली बार हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो नार्व्स होते हैं उसको कम किया है, उसमें सुधार किया है। जो पहले 50% लॉस पर कंपनसेशन मिला करता था उसको घटाकर 33% करने का हम लोगों ने काम किया है, ताकि देश के अधिकतम किसानों को इस कंपनसेशन का लाभ मिल सके। इतना ही नहीं, पहले जितना कंपनसेशन किसानों को मिलता था उसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 1.5 गुना करने का काम किया है। और मैं देश के किसानों को अपनी सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसी संकट की घड़ी में हमारी भारत सरकार पूरी तरह से हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़ी है। लेकिन मैं राज्य सरकारों से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसी संकट की घड़ी में फौरी तौर पर जितनी भी राहत मुहैया कराई जा सकती है हमारी सरकार वह राहत मुहैया कराने के लिए तैयार है। मैं यह भी सदन को अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त मैं सदन को यह भी आश्वस्त करता हूं, पूरी जांच, खड़गे जी नहीं,
मैंने मेरे 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 कंक्लूड करने की मेरे 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 कंक्लूड करने के बाद आप पूछ लीजिए, मेरे कंक्लूड करने के बाद आप पूछ लीजिए। यदि यदि अध्यक्ष महोदया की इजाजत होगी तो मैं निश्चित रूप से उसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदया, एक सम्मानित सदस्य ने यह कहा है कि पुलिस पर क्या कार्रवाई की गई। मैंने इस बात की जानकारी दे दी है कि पुलिस ने किस प्रकार की भूमिका वहां पर निर्वाह की है, और कई सम्मानित सदस्यों ने कहा है कि मिलजुल कर इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। हम उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं और विपक्ष का हम हर प्रकार का सहयोग चाहेंगे ताकि किसानों की जो बदहाली है इस देश की, उस बदहाली से इस देश के किसानों को निजात दिलाई जा सके और गांवों की और किसान की दोनों की हालात में एक बदलाव लाया जा सके। यह हमारी सरकार की यह कोशिश होगी। इतना ही कहते हुए अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सम्मानित सदस्यों। नहीं, सबके प्रश्न नहीं होते। खड़गे जी, आप